हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप अपनी फुल फोटो को किस तरीके से रीटचिंग कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि पूरी फोटो है जो उसके ऊपर रेड रेड पिंपल्स हो रहे हैं। आप इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हो और अपनी फोटो को एकदम फुल रीटचिंग कैसे कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो गाइस, ये फोटो है रियल वाली और मैंने ये जो एडिटिंग करी वो इस तरीके की। तो आप भी अपनी फोटो को इस तरीके की कैसे एडिटिंग कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जिस फोटो को अपन एडिटिंग करने वाले हैं, सबसे पहले उस फोटो को अपन को शेयर करना है ईपिक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ईपिक एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है, इसमें अपनी फोटो को जो है जिस फोटो को मैं एडिटिंग करने वाला हूँ उसको यहाँ पे मैंने शेयर कर लिया है, ठीक है। शेयर करने के बाद आपको ईपिक एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो इस तरीके का दिखने वाला है। तो गाइस, अब क्या करना है, अपने को सबसे पहले जाना है स्क्रीन टूल पे, ठीक है। तो स्क्रीन टूल पे अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का अपने पास इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पे आने के बाद अपने को दो ऑप्शन यहाँ पे अपने को दिखते हैं, ऑटो और मैनुअली, ठीक है। इस पे आने के बाद अपने को मैनुअल पे जाना है। मैनुअल पे आने के बाद अपने को सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लेशिंग का, ठीक है। तो उसके ऊपर अपने को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ पे अपने को रेड रेड डॉट दिख रहे हैं उन सबको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव करने के लिए जो साइज आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ पिंपल दिख रहे हैं वहाँ पर आपको टैप करना है। जैसे जैसे आप टैप करोगे वैसे वैसे ये पिंपल्स यहाँ से रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इनको अब अपना रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए अपने जो सारे पिंपल्स थे वो यहाँ से रिमूव हो गए। अब क्या करना है, रिमूव होने के बाद यहाँ पे अपने को फिर स्किन पे करना है। तो आप देख सकते हो सारे पिंपल्स जो है रिमूव हो गए। अब अपने को यहाँ से ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद वापस से अपने को जाना है स्किन टूल पे, ठीक है। स्किन टूल पे जाने के बाद अपने को ऑटो पे है तो अपने को ऑटो पे रख देना है। फिर अपने को वापस से ब्लीमिस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे जो भी डॉट रहते हैं और अपने जो भी अपने क्लीन किया था डॉट जितने भी हटाए थे उनके अलावा भी कोई डॉट होता है तो इसको करने पे यहाँ से हट जाता है, ठीक है। फिर अपने को जाना है यहाँ पे स्मूथ पे, ठीक है। स्मूथ पे जाने के बाद यहाँ से अपन 50 स्मूथ करेंगे, ठीक है। 50 स्मूथ होने के बाद फिर जाते हैं स्किन टूल पे। स्किन टूल पे जाने के बाद यहाँ से अपन थोड़ा सा जो कलर है वो यहाँ से मैनेज करेंगे कि अपने को कौन सा कलर यहाँ पर रखना है, ठीक है। वो यहाँ पर कर लेते हैं। फिर वो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद अपने हिसाब से अपने को मैनेज करना है अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं इसको 40 कर लेता हूँ, ठीक है। 40 करने के बाद डिटेल्स में चलते हैं। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ से अपने को डिटेलिंग के अंदर इसको अपन 15 कर लेते हैं, ठीक है। हो गया। अब जाते हैं पोरे, ठीक है। पोरे पर जाने के बाद यहाँ से अपने को ये अपने कर लेते हैं 20, ठीक है। मैंने कर लिया। अब जाते हैं हाई रिच, ठीक है। हर इस पे जाने के बाद अपन यहाँ से अपना कर लेते 40%, ठीक है। 40 से नहीं, अपने 20 कर लेते, ठीक है। 20 हो गया। अब आइस के अंदर,
और देखिए आइस के अंदर जो व्हाइट व्हाइट सा आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको अपन को फुल्ली व्हाइट करने के लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 760 कर देता हूँ। ठीक है, ये 60 हो गया। इसके बाद अपने को दूसरे वाले ऑप्शन को भी इसी तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, ये हो गया। अब जाता है आई डिटेल्स। ठीक है, आई डिटेलिंग के अंदर जो मेन होता है कि जो राउंड से ब्लैक ब्लैक है उसे अपन कलर करने के लिए इसका यूज़ में ले सकते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, इसको 15 ले देते हैं फिर। ठीक है, आई बिगेस्ट। ठीक है, इसके जो आई के नीचे, आई के नीचे जो हिस्सा रहता है उसको कलर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, फिर जाते हैं अपन स्माइल लाइंस। ठीक है, स्माइल लाइंस अपनी फ़ोटो में है नहीं तो कोई इशू नहीं, तो फिर भी अपन 10 कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मिड्स के अंदर। ठीक, ना कर देते हैं, अब चलते हैं आगे। तो इसके अंदर से अपनी फ़ोटो के अंदर थोड़ा लाल लाल से कलर्स या पिंक पिंक कलर्स देने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं, तो इसको 40% कर देते हैं। अब टीथ, अब देखिए वाइट टीथ को वाइट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, और ग्लो। अब अपने फेस जो खड़ा है उसको ग्लो देने के लिए अपन इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक, मैंने इसको कर दिया 60%। ठीक है, अब हल्का सा स्मूथ करेंगे अपन इसको, 10 स्मूथ करेंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, टेक्सचर्स जो है टेक्सचर्स को ओपन करते हैं 4%। ठीक है, आइस के अंदर इसको ओपन, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं 70, फिर ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद अपने को जाना है मेकअप टूल के ऊपर। ठीक है, मेकअप टूल के ऊपर जाने के बाद फर्स्ट वाला जो कलर्स है रेड वाला, से अपन लिप के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लिप के लिए जो आपको यहाँ से कलर्स अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर लेते हैं। अब इस फोटो को सेव करते हैं। अब यहाँ से अपन इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, फ़ोटो को सेव करने के बाद क्या करना है, अपने को अपने बैक आ जाना है। तो क्या करना है, अब क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है रिप्लिकेटेड फोटो फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे अपने को सर्च करने के बाद नेक्स्ट वाली वेबसाइट जो है उस पर अपने को क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जिस फ़ोटो को अपन ने एडिटिंग किया था उस फोटो को यहाँ पे अपने को डालना है। ठीक है, तो मैंने जो फोटो एडिटिंग करी थी उसको ओपन कर लेता हूँ, और इस फोटो को मैं यहाँ पे प्रोसेस पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्रोसेस पढ़ने के बाद काफ़ी बेहतरीन से अपने को आउटपुट मिलने वाला है इस फोटो का। जब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटिव, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, साथ में इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो फ़ोटो है उसका प्रोसेसिंग बस होने वाला है। तो फाइनली गाइज, अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब इस फोटो को यहाँ पे डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से डाउनलोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी फ़ोटो जो है वो डाउनलोडिंग हो चुकी है, तो इसको देखते हैं। तो गाइज, अब देखिए अपनी जो फ़ोटो है पूरी कम्प्लीटली जो है एडिटिंग हो चुकी है, एकदम फुल्ली रीटचिंग, एकदम HD क्वालिटी के अंदर। और गाइज, इसी तरीके की और भी बेहतरीन सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।